कैसे आप? हम बढ़िया है, आप कैसे हो? बस बढ़िया है, बढ़िया है। मैं कहना जानना चाहता हूँ एक बात कि आपने फुटबॉल मैच पे इंटरेस्ट है आपको? मतलब मुझे है, मतलब मेरा अभी जागृत हुआ है। जैसे क्रिकेट मैंने लॉकडाउन में देखना शुरू किया था, जब 2020 का एंडिंग में आईपीएल शुरू हुआ था, कुछ नहीं चालू था तब, तो वहाँ से मेरा क्रिकेट का इच्छा जागृत हुई थी। और अभी फीफा वर्ल्ड कप में मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और थोड़ी बहुत नॉलेज फुटबॉल के बारे में मेरी अभी जागृत हुई है। और मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या होता है फुटबॉल, मतलब क्या होता है उतना पता है, बट कैसे खेलते वगैरह कुछ नहीं। बंगाल के, बंगाल में टॉप पे है, बंगाल टॉप पे फुटबॉल में। तो क्या मुझे नहीं पता है, मेरे पापा को इंटरेस्ट है, बट मुझे कुछ। वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल दोनों में कांटे की टक्कर होता है, मारपीट हो जाता है, मुझे नहीं पता। अच्छा कल जैसे कि अर्जेंटीना और फ्रांस में मुकाबला था, बहुत रोचक था। मैं बहुत खुश हुई थी इस बात को लेकर, अर्जेंटीना जीत गई। हाँ, अर्जेंटीना जीत गई। आइडिया कुछ मेसी, यस यस मेसी जीत गया, खुश हो गया। दूसरी बात है कि हम सब तो ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के चाहे मेल हो या फीमेल हो, है नहीं, हम लोग कब वर्ल्ड कप में खेलने के हम लोग को मौका मिले? हम लोग यहाँ इतने 100 करोड़ की आबादी में एक जल्दी आएगा। इसमें भी हम लोग क्वालिफाई तक पहुंच गए थे, बट क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, मतलब एटलीस्ट हम लोग उस राउंड तक पहुंच गए थे। लेकिन हम लोग तो पार कर गए, हम वर्ल्ड कप में अब तक एंट्री नहीं हुए। अब तक नहीं, इसमें हुआ था ना अपना क्वालिफाई तक, क्वालिफाई राउंड किया था। इसमें नहीं, ये वर्ल्ड कप में नहीं, आईफा में नहीं, दूसरे में था। फीफा का था? फीफा में नहीं था, फीफा में था नहीं था, था नहीं था, था नहीं था, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड कप अगर उस पर क्वालिफाई हुआ था तो वर्ल्ड कप में मौका मिलता खेलने के लिए। मैं मतलब समझ गया आपको। अच्छा इनमें कटिंग अच्छा क्या सीन चल रहा था बताइए मुझे, आप सीन के बारे में बात करते चलिए। सीन अभी फिलहाल बताइए क्या चल रहा था। सीक्रेट है, बहुत कुछ नहीं बता सकते, पर इतना बता सकते हैं कि बहुत ही प्यारा बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको राशि, पुष्पा और प्रार्थना के बीच, क्योंकि ये समझ में आता है और आपको आगे पता चलेगा क्या होने वाला है, तो आपको आइडिया होगा। आप बताएंगे आपको मम्मी के हाथ में चोट लगी है, कैसे चोट लगी मतलब ये बता सकते हैं तो कर ही सकते हैं? ये बेसिकली करंट लगा है मम्मी को हाथ में, आप लोगों ने हाथ में देखा होगा कि काला नीला हो गया है, तो वो करंट लगने की वजह से उसको हाथ में चोट आई है, और वो खुराफाती करने गई थी कुछ तो करंट लग गया। माँ के साथ साया की तरह आप रहते हो हमेशा, एक होता ना साया दो जिस मिल जाए, फिर भी कैसे आपके रहते हुए मम्मी को करंट लग गया? ये हम सब लोग सो रहे थे एंड घर की लाइट चली गई थी, और सिर्फ हमारे घर की लाइट गई थी, ऐसा कुछ तो सीन है। एंड वो जाती है इलेक्ट्रिक बॉक्स का ट्रिप, मतलब ट्रिप सही करने, तो उसको वहाँ पे जाके करंट लग जाता है। देखा जाए तो अभी न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर में क्या आप दोनों का प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है, मुझे सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरी एग्जाम आ रही है। वाह, बार भी कर। मेरा बर्थडे आने वाला 31 को है, दिसंबर को, तो मैं तो पता नहीं क्या करूंगी, मुझे कोई सरप्राइज तो मिलेगा। सरप्राइज तो पहले राशि देगा आपको कि न्यू ईयर के दिन आप लक हो, नसीब वाली हो कि आपको, मतलब न्यू ईयर के दिन है, राशि तो पहले करेगा मम्मी जो बनी है। तो एनीवे चलो जाते थे पुष्पा के जो इतना भी ऑडियंसेस के लिए क्या बोलना चाहते? बस उनको हम लोग सर सर आ जाएगा सर सर जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे। बाकी हम लोग इतना ही बोलना चाहेंगे कि हमें 8 महीने में जितना प्यार मिला है, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट, एंड हम आगे भी चाहेंगे कि आप लोग ऐसा ही प्यार देते, क्या प्यार करते मिलते रहे, मिलते रहिए, मिलते रहिए, बरसाते रहिए हम पे प्यार। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा प्यार बरसाया भी इतने दिनों से। सब करेक्टर अपने अपने हीरो है, जितना भी करेक्टर इसमें, बट पुष्पा जी की हर दिन नया एक हर मुद्दा लेके आती है, हर घर की एक होता है ना जो कहानी होता है, किसी के लाइफ में भाग दौड़ होता है, किसी से परेशान होता है, वो चीज़ को उजागर किया जाता है, हर वर्ग हर लोग तत्व, भले बच्चा हो बुरा हो, उस टाइप के शो बहुत कम बनता है। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है कि बहुत रियलिस्टिक है, जो घर में प्रॉब्लम होती है नॉर्मल घर में, हम अगर ड्रामा की बात नहीं कर रहे तो जो नॉर्मल घर में प्रॉब्लम होती है वैसे ही प्रॉब्लम्स आप लोग दिखा रहे हो और उसका सॉल्यूशन बता रहे हो, जुगाड़ कर रही है मम्मी या जो भी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन पता पड़ता है लोगों को कि ऐसे घर में कितने बच्चे होते होंगे जो चिराग की तरह होंगे, जुगाड़ करते होंगे, कहाँ फंसते होंगे, वन झूठ बोलते होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वैसे सेम लोगों को रियलिस्टिक लगता है, बहुत लोगों ने मुझे बोला है, बहुत सारे कॉमेंट्स भी आते हैं हमें, वेरी रिलेटिव सब देख सकते हैं, वैसा है, हर एज ग्रुप देख सकते हैं। आप दोनों के लिए भी एक एक मैसेज है, एक बेटी हो तो राशि जैसा हो, दोस्त हो तो इस राशि जैसा, प्रार्थना जैसा हो, मतलब सो डिफरेंट, मतलब
छल कपट ने दिल नहीं है। तो वैसे दोस्ती आप लोग हर घर में हो, हर लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आपसे, उस ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहते हैं? उन ऑडियंस के लिए पहले हम थैंक यू ही बोलना चाहेंगे क्योंकि मैं वैसा ही कैरेक्टर निभाती हूँ जैसी मैं लड़की हूँ, मतलब जैसी देशना है वैसी राशि है और जैसी राशि है वैसी देशना है। तो मुझे मतलब उस कुछ करने के लिए लगता नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते क्योंकि जैसी मैं देशना हूँ वैसा ही मैं राशि में भी डालती हूँ क्योंकि सेम एज है और सेम सब कुछ है। सब कुछ नहीं, एक चीज़ अलग है, राशि थोड़ी अपनी मम्मी की तरफ क्रूर थी पहले, बट ये लड़की अपने मॉम के लिए बहुत प्यारी लड़की है, मतलब शी इज लाइक मतलब मम्मी की लाडली, वो एक डिफरेंस है, वो ऑफ कोर्स एक डिफरेंस है, गुड़िया है ये, गुड़िया गुड़िया सेठ के गुड़िया, आप दोनों 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 लाडली हो सेठ का। प्रार्थना जो है इसमें जो अभी कहा मैं वही कहने वाली थी कि प्रार्थना और इंद्राक्षी आर लाइक वेरी सिमिलर पीपल, बट द थिंग इज दैट मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने में मजा आता है बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। समटाइम्स ट्रेट्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, बट आई होप कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो इस कैरेक्टर में तो और मजा आएगा आप लोगों को देखने में। एक लास्ट सवाल, सेट पर मैं देखता हूँ राशि आप दोनों रहते हैं, ऐसे नहीं लगता कि आप सेट पे हो, घर पे हो? जिस तरह आपकी भी मस्ती, आपका भी मस्ती लगता है कि मतलब मतलब मम्मी को सेट पे ये अच्छी बात है कि कोई भी यहाँ पे ऐसा शांत नहीं बैठा रहता है, या यहाँ पे सब लोग ऐसे प्रैंक मास्टर मस्ती करने वाले लोग हैं। इवन काकू, राधा काकू की मैं बात करूँ, मैं केतकी मैम की बात करूँ, ये लोग तक मस्ती करने वाले में से है। तो मतलब आप लोग हम लोगों का तो भूल ही जाओ, हम लोग तो कितनी मस्ती करते होंगे अगर वो लोग इतनी मस्ती करते हैं। तो हम लोग जब भी उनके साथ सेट पे रहते थे तो बहुत हंसी मजाक, और केतकी मैम तो उनके कॉमेडी के लिए है, फेमस है उनके लिए, तो वो हम लोग इवन सीन्स करते टाइम पे वो जब भी कुछ भी एड लाग करती है तो वैसे हंसी कंट्रोल करनी पड़ती रहती थी। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सीन्स हुए उनके जब वो घर में आई थी हमारे, तो मैं, सोनल, मनीष, दीप्ति भाभी, अश्विन भाई, चिराग, वो कुछ भी बोलती थी, और उनका कैरेक्टर भी वैसा ही बताया था कि वो कुछ भी बोलती है, तो हम लिटरली ऐसे करना पड़ता था कि हाँ भाई शांत हो जाओ, इन्होंने कुछ तो बोला है, हम लोग कुछ हंस भी नहीं सकते, और सीन भी वैसा है। फिर बाद में जाके जो हंसी छूटती है ना, बहुत मजा आता था उनके साथ। डायलॉग बड़ा फेमस है, हाँ। आपको याद है? डायलॉग काफी उबरा पॉपुलर है क्योंकि सास से बहू थी। चले मुझे बताया मम्मी पापा ने, बट मैं इतना डिटेल में इसके बारे में। चले आप लोग जाते जाते नाम आ टीवी से बॉलीवुड तक, टीवी से बॉलीवुड, आपका नाम टीवी से बॉलीवुड तक। हाँ, मैं प्रार्थना फ्रॉम पुष्पा इम्पॉसिबल, मैं राशि फ्रॉम पुष्पा इम्पॉसिबल, और आप लोग हमें देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड तक। थैंक यू जी, थैंक यू।